दूसरे जन्म के कारण में एक सती देवी थी वृद्धा, उसका पति जलंधर इतना प्रतापी था, भगवान ब्रह्मा से वर मांग लिया। हमारी अर्धांगनी जब तक सतीत्व में रहे हमारा बाल बांका न हो। ले शिवबाबा ने बहुत युद्ध किया, वो मरे ही नहीं, क्योंकि मड़ी तो कहीं और गड़ी है। भगवान विष्णु ने लीला किया, छल करी तार वो तासु व्रत, वृंदा सती का शील भंग किया है भगवान विष्णु ने, तब जालंधर को भगवान शिव ने मारा। सती ने पहचान लिया तो शापित कर दिया भगवान को, आपने मेरे साथ ये जो किया मैं शाप देती हूं, आप काला पत्थर हो जाइए। गंडकी में भगवान विष्णु शालग्राम स्वरूप में आज भी विराजमान है, बड़े बड़े पत्थर। भगवान ने स्वीकारा और कहा, आप कल काल में तुलसी का विरवा होंगी, आप बिना हमारी पूजा पुष्ट नहीं होगी, इसलिए शालक राम जी की सेवा में जब तक तुलसी मैया नहीं चढ़ती हैं तब तक शालक राम जी की पूजा पूरी नहीं होती। साप के कारण ही माताओं को शालक राम जी की सेवा निषेध रखी गई है। बहुत आपतकाल न हो तो शालक राम जी का स्पर्श माता लोगों को नहीं करना चाहिए। अब कोई घर में पुरुष पूजा ही नहीं करता महाराज तो क्या करें, तो समस्याएं तो बहुत है, कितनी का समाधान किया जाएगा। शालक राम जी को मंदिर भेज दो, जिस कार्य से अपना धर्म लुप्त हो नष्ट हो उस कार्य को करने की क्या आवश्यकता है। नर्मदेश्वर भगवान को पूजो जी। सती ने भगवान से मांगा, आप हमारे देव को अगले जन्म में मुक्त करेंगे, ये वचन दीजिए। कहां जलंधर रामन भयवु रनहति राम परम कश्यप और अदिति जी के पुत्र राम स्वरूप में आकर भगवान ने रावण हुए जालंधर को गति प्रदान की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। स्वीकार किया भगवान ये दो अवतार। भगवान बाबा कहते देवी नारद शाप I'm not afraid।
संग मोहि करहु पुराई। यह भगवती ने पूछा, प्रभु नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, रमापति प्रभु से कौन सा अपराध हो गया जिससे हमारे गुरु जी ने उनको शाप दे दिया। यह प्रसंग मई कहो, इसको सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। बाबा हंसे नहीं, बिहसे, विशेष हंसे। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूल, जेहि जस रघुपति कर जब सो तस ते ही। न कोई ज्ञानी न कोई मूल, मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी जिसको जब जैसा करना चाहते हैं वो क्षण वैसा ही हो जाता है। सब लीलाधारी की लीला है। जेहि जस तेहि तस तेहि छन हो। नारद जी भगवान के भक्त हैं, प्रिय पार्षद भी हैं, देव ऋषि हैं, ऋषि नहीं है, देव ऋषि हैं। मृत्युलोक, देवलोक, पाताल लोक, सब जगह तीनों लोक 14 भुवन में नारद जी की अबाध गति है। नारद जी सनातन धर्म के वरिष्ठतम पत्रकार हैं। प्रथम आप लोग पूजा वूजा करते हैं, करना चाहिए। नारद जी महाराज वरिष्ठतम पत्रकार हैं और श्री हनुमान जी महाराज वरिष्ठतम राजदूत हैं, कमांडर इन चीफ। तब लगे मोहि परखे उत्तम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। कब तक जब लग याम उसी तही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विषय। वरिष्ठतम श्रेष्ठतम, जिस भाव से श्री हनुमान जी गए सब काम निपटाई कर चले आए, वरिष्ठतम है, कितनी अच्छी बात है। वही नारद जी, वो नारद जी, ये नारद जी, भगवान की लीला आगे बढ़ी। भजन करते करते इंद्र के साय में आ गए। कैसे? चले गए जो गद्दी पर बैठा रहता है ना, उसको सदैव डर बना रहता है कहीं कोई गद्दी न ले ले, कहीं कोई छीन न ले। गद्दी वाला डरता बहुत है। कल भैया बता रहे थे ना कि हमने घोषणा की थी कि गद्दी जाएगी, कहें कैसे जाएगी, कहें चली जाएगी, ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा है।
नहीं दिख रहा है तो चली जाएगी, दिखता है तो आदमी संभल जाता है। इसलिए गद्दी चाहे राज गद्दी हो चाहे व्यास गद्दी हो, संभाल के रखना चाहिए। कब चली जाए क्या भरोसा, गद्दी तो गद्दी है।